देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। बहराइच के कोतवाली नानपारा इलाके में 1.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या करने वाले दरिंदे को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। जिला सत्र न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने केस की संवेदनशीलता देखते हुए महज 8 बार की सुनवाई में ही आरोपी को फांसी की सजा सुना दी। वहीं आरोपी को फांसी की सजा मिलने के बाद से लोग कोर्ट के इस फैसले की जमकर सराहना कर रहे हैं। क्या था ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। बीती 22 जून को आरोपी परशुराम ने 1.5 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी। मामला कोतवाली नानपारा क्षेत्र के पतरिया गांव का है, जहां बीते 22 जून को अपनी मां के साथ सो रही 1.5 साल की मासूम को पड़ोस का रहने वाला आरोपी परशुराम उठाकर ले गया था, जिसके बाद गांव के प्राइमरी विद्यालय के शौचालय में आरोपी ने बच्ची के साथ दरिंदगी की। वहीं जब बच्ची के लापता होने की बात परिजनों को पता चली तो परिजनों ने अन्य लोगों के साथ बच्ची की तलाश शुरू की, जिसके बाद बच्ची लहूलुहान हालत में विद्यालय के शौचालय में मिली। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को इलाज के लिए भेज दिया था, जहां उसकी जान चली गई। मामले में पुलिस टीम ने 22 जून को ही आरोपी परशुराम को गिरफ्तार कर लिया था। मेडिकल परीक्षण के बाद जब उसे न्यायालय रिमांड पर ले जाया जा रहा था तो वहां वो पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने आरोपी के पांव में गोली मारकर उसे दबोच लिया था। 22 जून को बहराइच जिले के नानपारा थाना क्षेत्र में 1.5 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ जघन्य घटना कारित की गई थी, जिसमें उसका रेप और उसके बाद इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना को कारित करने वाला व्यक्ति परशुराम उसी गांव का रहने वाला था, लगभग 30 साल उसकी उम्र है। अभी लगातार इसमें नानपारा पुलिस ने बहुत मेहनत करके मात्र 28 दिनों में इस पूरे उसमें चार्जशीट लगाया और 37 दिनों में जो उसका साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो उनकी DNA सैम्पलिंग वगैरह थी वो हमको 37 दिनों में FSL लैब गोरखपुर से प्राप्त हुई। इसमें जब न्यायालय में चार्जशीट दाखिल होने के बाद मात्र 8 कार्य दिवस में इसमें जो परशुराम है उसको सजा दी गई है, फांसी की सजा सुनाई गई है। मासूम बच्ची के पिता की तहरीर पर आरोपी परशुराम के खिलाफ अपहरण बलात्कार समेत अन्य कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जेल भेज दिया था। वरिष्ठ अधिवक्ता बलराम बाजपेयी ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम के न्यायालय पर पुलिस ने 3 जुलाई को आरोप पत्र दाखिल किया था। अदालत ने 8 सुनवाई में ही मामले का निपटारा कर दिया। अदालत ने पीड़िता को सिहनी के नाम से संबोधित किया और अभियुक्त परशुराम को मृत्युदंड की सजा सुनाते हुए कहा कि अभियुक्त को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए तब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। यह थाना बहराइच जिले में थाना नानपारा का मामला है। गांव पतरिया था, वहां एक बजे रात में परशुराम नाम का व्यक्ति 1.5 साल की, अदालत ने उस लड़की का नाम सिंघनी रखा है, उस लड़की को उठा ले गया और एक प्राइमरी स्कूल था उसमें ले जा करके रात में उसके साथ बलात्कार किया और उस बलात्कार की पीड़ा से बच्ची मर गई। उस पुलिस मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस ने विवेचना की और विवेचना में ये स्पष्ट किया गया कि वही अपराधी था जो जिसको सजा हुई है और 28 दिन की विवेचना में पुलिस ने उसमें आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। पॉक्सो एक्ट के जज नितिन कुमार पांडे जी ने उस मामले में 8 कार्य दिवस में उसकी सुनवाई पूरी की। तब तक DNA रिपोर्ट आ चुकी थी, सम्यक सुनवाई के बाद उसमें मृत्युदंड उस अपराधी को दिया है। उत्तर प्रदेश में लगातार ये कहा जा रहा है कि महिलाओं के प्रति जो सुविधाएं हैं, जो सुरक्षाएं हैं, वो लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत जानने निकले तो बहराइच में जिस तरह से 1.5 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की गई है, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि चाहे बच्ची हो, चाहे कोई युवती हो या फिर बुजुर्ग महिला हो, कोई भी अपने आप को प्रदेश में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। ऐसे में अब आवाज उठाने का समय आ गया है और आवाज उठाकर ऐसे दरिंदों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने का समय आ गया है। बहराइच से अनिल तिवारी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया।
और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी अनिल तिवारी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, पूरा मामला बेहद ही विभत्स है, दुर्दांत है और ये आरोपी भी इतना दुर्दांत है, लेकिन कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो वाकई सराहनीय है कि इतनी जल्दी कोर्ट ने फांसी की सजा आरोपी को सुनाई है। जी हाँ, हम आपको अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये बहराइच जनपद के नानपारा कोतवाली की घटना थी, जो काफी संसार की मानवता को संसार करती थी। एक मात्र 1.5 साल की बच्ची के साथ में एक जहन अपराध होता है और इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। वहीं जब मित्र हमारे उत्तर प्रदेश की मित्र पुलिस जाती है तो FIR दर्ज करने से लेकर 28 दिनों के अंदर न्यायालय में आरोप पत्र दायर करती है। अब मात्र 8 दिनों के कार्य दिवस में हम यहाँ के जज जो फैसला सुनाते हैं, काफी ऐतिहासिक होता है और जिसमें आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है, फांसी की सजा सुनाई जाती है। ये उन लोगों के लिए एक नजीर पेश होती है, छोटे से जनपद बहराइच के लिए, कि जहाँ पर ये सोचते थे कि हम अपराध करेंगे और कहीं ना कहीं कानूनी दांवपेच में उलझा कर मामले को आगे बढ़ाते रहेंगे, उनके लिए नजीर पेश है। कहीं भी हम घटना करेंगे उसके परिणाम का भी हमें भुगतने पड़ेंगे। बिल्कुल अनिल, अगर परिवार की बात की जाए, जो पीड़ित परिवार है, इस फैसले को सुनने के बाद उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? हाँ, उस बच्ची के माँ बाप ने कहा आज हमें न्याय मिला है और वो काफी फैसले से खुश थे। और न्यायालय ने जब ये फैसला सुनाया तो वो दोनों माँ बाप पड़ो के रो पड़े और उसके बाद काफी उनको दर्द था, काफी कमजोरी महसूस कर रहे थे। अपनी बेटी को खोने का दम तो था ही, साथ साथ उन्होंने पूरे प्रशासन को भी धन्यवाद दिया है कि उन्होंने बहुत जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा किया है। जी बिल्कुल, और अनिल, ये कहा जा सकता है कि अगर इसी तरह से कोर्ट तुरंत सुनवाई करेगा और फैसला लेगा तो वाकई अगर ऐसा कृत्य आगे होते हैं तो कानून पर एक विश्वास जो है वो लोगों का और ज्यादा बढ़ सकता है। फिलहाल के लिए शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बहराइच का ये पूरा मामला, जहां पर 1.5 साल की मासूम के साथ एक युवक ने, जो पड़ोस में ही रहता था, उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, इसके साथ उसकी हत्या कर दी। 22 जून का ये पूरा मामला है और इतनी जल्दी कोर्ट ने इस पर फैसला सुना दिया और कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आरोपी को फांसी की सजा मिल गई है और आरोपी को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। इसके बाद से ही चारों तरफ पूरे बहराइच में इस फैसले को लेकर लोग कोर्ट की सराहना कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही मामलों में तत्परता दिखाई जाएगी, आरोपियों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जाएगा, तो इससे कानून पर विश्वास बढ़ेगा और कहीं ना कहीं अपराधियों में भी जो खौफ है वो कानून का बना रहेगा। तो बहराइच का एक पूरा मामला है जहां पर न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और इतनी जल्दी 8 बार सुनवाई इस पूरे मामले में हुई है और 8 बार की सुनवाई में पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा आरोपी के लिए सुना दी है। फिरोजाबाद पुलिस ने बीती रात मुठभेड़ के दौरान एक 20,000 के नामी सुपारी किलर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये दोनों बदमाश एक व्यक्ति की हत्या करने जा रहे थे, तभी चिनौरा पुल पर बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान इनामी बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, वहीं एक अन्य साथी बदमाश को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिरोजाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि बीती रात पुलिस को सूचना मिली थी कि 20,000 का इनामी सुपारी किलर चरस सिंह किसी व्यक्ति की सुपारी लेकर अपने साथी के साथ उसकी हत्या करने जा रहा है। वहीं सूचना पर SOG पुलिस और कई थानों की पुलिस चिनारा पुल पर घेराबंदी कर बदमाशों का इंतजार करने लगी और जैसे ही बदमाश बाइक से पुल पर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर बदमाश ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में 20,000 के नामी बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के पास से 2 देसी तमंचे और बड़ी मात्रा में कारतूस और एक बाइक बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने घायल को फिरोजाबाद के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं मामले में पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है। अगर देखा जाए तो लगातार बदमाशों का आतंक जो है वो प्रदेश में बना हुआ है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस कार्रवाई भी कर रही है और पुलिस का खौफ बदमाशों में देखा भी जा सकता है। फिरोजाबाद का एक पूरा मामला है जहां पर पुलिस ने बीती रात मुठभेड़ के दौरान एक 20,000 के नामी सुपारी किलर उसके 2 साथी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये दोनों बदमाश एक व्यक्ति की हत्या करने की फिराक में थे। एक इनामी है चरण सिंह, ये फरिया थाने से 20,000 का इनामिया था। हम लोग इसको इलेक्ट्रॉनिकली फॉलो कर रहे थे, इनामिया था, पकड़ना था हमको। आज सूचना मिली कि ये किसी की हत्या करने जा रहा है। एक चनौरा पुल है, वहाँ पे
चनौरा पुल के पास हत्या करने जा रहा है, तो वहाँ पे इसकी घेराबंदी की गई। इसने पुलिस पार्टी को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, तो पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ जवाब दिया इसका, इसको गोली लगी। एक इसका साथी फरार हुआ, उसको दौड़ा के पकड़ा गया। दोनों पकड़े गए और बरामदगी हुई, पूछताछ की गई तो पता लगा कि योगेश अपने ससुर की हत्या कराने की ही सुपारी लिया था इससे, वहीं ये लोग जा रहे थे हत्या करने। तो इस तरह से जामाजी दिखाते हुए पुलिस ने कार्रवाई की और एक हत्या को बचाया और इनामिया को पकड़ा। मथुरा के थाना छाता कोतवाली इलाके में स्थित केडी मेडिकल कॉलेज अकबरपुर के प्रबंधक चिकित्सकों सहित 10 लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो लगातार ये मामला जो है वो वृंदावन के नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल ने कोर्ट के माध्यम से कोतवाली छाता में FIR दर्ज कराई। FIR में आरोप लगाया गया है कि उनके पिता ओम प्रकाश मित्तल को कोरोना संक्रमित होने पर 27 अप्रैल को केडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां पर केडी मेडिकल कॉलेज के स्टाफ द्वारा उपचार में बरती गई लापरवाही के चलते 20 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि केडी मेडिकल कॉलेज प्रबंधक और चिकित्सक स्टाफ कोरोना मरीजों से उपचार के नाम पर लूट में लगा हुआ था, जिन्होंने समय पर मेरे पिता ओम प्रकाश मित्तल को ना तो ऑक्सीजन मुहैया कराई और ना ही सही इलाज। प्रार्थी के पिता अस्पताल की लापरवाही के चलते 17 घंटे तक बिना उपचार के गंभीर हालत में पड़े रहे, जबकि किसी भी परिजन को ना तो उनसे मिलने दिया गया था और ना ही किसी को कोई जानकारी दी गई। अब मामले में राजकुमार मित्तल ने कॉलेज प्रबंधक मनोज कुमार अग्रवाल से 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। अब देखना यह है कि मामला दर्ज होने के बाद क्या कार्रवाई होती है, जबकि ये पहली दफा नहीं है जब केडी मेडिकल कॉलेज पर आरोप लगे हैं। इससे पहले भी कई लोगों ने कोविड के मरीजों की लापरवाही के कारण मौत होने की शिकायतें दर्ज कराई थी, लेकिन केडी कॉलेज के संचालकों की ऊंची पहुंच और राजनीतिक रसूख के चलते कभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। मेरे पिताजी की तबीयत कोविड से ख़राब हुई थी अप्रैल में, तो 27 तारीख को जब उनकी ऑक्सीजन का थोड़ा सा लेवल लो हुआ, 90-91 के आसपास था, तो चिंतावश, चूँकि मैं भी कोविड था और परिवार के बाकी लोग भी कोविड थे, तो चिंतावश मैंने उनको सरकारी डॉक्टरों की सलाह पे को उसमें केडी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। और उस समय डॉक्टरों से भी बात हुई थी, वहाँ के मैनेजमेंट से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, उनके साथ पेपर वगैरह शेयर किए थे, उन्होंने कहा चिंता की बात नहीं, थोड़ी ऑक्सीजन कम है, बाकी सब ठीक है, आप इनको भेज दीजिए। मेरे पिता बिल्कुल स्वस्थ थे, उनको मैंने 27 तारीख को लगभग दोपहर को 3 बजे भर्ती कराया, और 3 बजे भर्ती कराने के बाद मुझे किसी ने भी, मुझसे रात 10 बजे तक किसी से ना कोई बात हुई, ना किसी ने मुझे हालचाल बताया। मैं कम से कम 20-30 बार फ़ोन किया, मैसेज किया, किसी ने मुझे कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो रात में फिर 9, 9:30, 10 बजे के आसपास मेरी बात हुई, उसके बाद ना तो उनको 3 से लेकर 10 रात के 10 बजे तक कोई ट्रीटमेंट दिया गया। फिर अचानक मुझको 28 तारीख को सुबह 8:30 बजे फ़ोन करके बता दिया गया कि आपके पिताजी की मृत्यु हो गई है, और जबकि मेरे पिता बिल्कुल स्वस्थ थे, और केवल 16 घंटे बाद उनकी हत्या केडी वालों ने कर दी। कल थाना छाता में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसके बाद ही श्री राम कुमार मित्तल जी हैं, यह अभियोग माननीय न्यायालय के आदेशानुसार पंजीकृत किया गया है। उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके पिता की कोविड की बीमारी की स्थिति में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जिसे सही से इलाज न करने के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। तो इस संदर्भ में चिकित्सकों एवं प्रबंधक के खिलाफ अभियोग माननीय न्यायालय के आदेशानुसार पंजीकृत किया गया है। पूरा मामला केडी अस्पताल का है। दरअसल इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक उपर नगर आयुक्त के ओहदे पर तैनात राजकुमार मित्तल को भी अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, और शिकायतें लगातार इस अस्पताल को लेकर तमाम आ चुकी हैं। ये पूरा मामला दरअसल बहुत पुराना है, लेकिन अब देखना है कि पुलिस कोर्ट के द्वारा जारी किए गए इस आदेश पर दर्ज के मुकदमे में कुछ कार्रवाई होती है, या फिर इस बार की तरह हमेशा की तरह अपने उसी रवैये को अपनाते हुए सिर्फ जांच के नाम पर मामले को रफा दफा किया जाता है। तो केडी अस्पताल में लगातार लापरवाही होती है और इसकी वानगी तमाम बार देखी जा चुकी है, जहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो शिकायत कर चुके हैं, लेकिन ऊंचा रसूख है, इसी वजह से कार्रवाई नहीं हो पाती। मथुरा के वृंदावन नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल ने कोर्ट के माध्यम से कोतवाली छाता में यह FIR दर्ज कराई। FIR में सीधे तौर पर आरोप लगाया कि उनके पिता ओम प्रकाश मित्तल को कोरोना संक्रमित होने पर 27 अप्रैल को केडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां पर केडी मेडिकल कॉलेज में स्टाफ द्वारा उपचार में लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से 28 अप्रैल को उनकी मौत हो गई थी। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन वहां से भी वो छूट गए। केडी मेडिकल कॉलेज प्रबंधक और चिकित्सक स्टाफ कोरोना मरीजों उपचार के नाम पर लूट में लगा हुआ है, ये भी उस शिकायत में लिखा हुआ है। समय पर इलाज नहीं मिल पाया, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, जिसके बाद
उनके पिता की मौत हो गई और ऐसे ही तमाम मरीज हैं जिन्होंने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। केडी मेडिकल कॉलेज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पैसे लिए जाते हैं और कुछ भी नहीं किया जाता। तो मथुरा का ये पूरा मामला जहां पर एक अस्पताल की लापरवाही सामने आई है और ये अस्पताल नामी गिरामी अस्पताल है लेकिन लापरवाही का आरोप पहले से ही इस पर लगता आया है लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते कोई बड़ी कार्रवाई इस पर नहीं हो पाती। वहीं अगर मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन की बात करें तो ये अपने आरोपों से सिरे से नकारते हुए नजर आते हैं। तो फिलहाल कोर्ट द्वारा यहां पर समन भेजा गया है। अब इसमें क्या कार्रवाई होती है, किस तरह से जांच होती है, किस तरह का रवैया अपनाया जाता है, ये देखने वाली बात है। तो मथुरा के केडी मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी सुरेश सैनी मेरे साथ मथुरा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेश, केडी मेडिकल अस्पताल, इसकी लापरवाही की शिकायतें कई बार लोगों से सुनने में आई है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, क्या अब ऐसा लग रहा है कि कार्रवाई हो पाएगी? जी, मैं आपको बता दूं, केडी मेडिकल कॉलेज जो है मथुरा में काफी बड़ा मेडिकल कॉलेज है और उनके कई इस तरह के संस्था हैं और जिस तरह से एक देखने को मिला था कि इससे पहले भी जब कोविड का दौर चल रहा था उस समय जब दूसरी लहर जोरों पर थी उस समय यहाँ पे आए दिन इस तरह की खबरें आ रही थी कि यहाँ पे 5-5 लाख रुपए लोगों से लिए जा रहे हैं और उनको सही से इलाज भी मुहैया नहीं कराया जा रहा है। आए दिन लोगों की मौत का सिलसिला यहाँ जारी था जी। उसके बाद कई लोगों ने आरोप भी लगाए लेकिन बाद में वो लोग मुकर गए और पीछे हट गए। इसके साथ साथ ही अभी मैं आपको बता दूं, ताजा मामला मथुरा के अपर नगर आयुक्त का मामला है जिन्होंने अपने पिता को 27/4 को इस हॉस्पिटल में एडमिट किया था कोविड के दौरान और ऑक्सीजन की समस्या थी उनको, लेकिन उसके बाद जो अपर नगर राजकुमार मित्तल है उनका साफ कहना है, जिस तरह से उन्होंने हमें बताया है कि अगले 12 घंटे तक मुझे कुछ भी उनके बारे में नहीं बताया गया, ना ही कोई सूचना दी गई। और उससे कुछ सुरेश, ये पूरा मामला जो है वो अप्रैल का बताया जा रहा है, राजकुमार मित्तल ने अब रिपोर्ट दर्ज कराई है, इतना समय क्यों लगाया गया जो पहले ही पता चल गया था कि अस्पताल की लापरवाही है या पहले शिकायत की गई कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी? जी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि राजकुमार मित्तल मथुरा में नगर आयुक्त है, अपर नगर आयुक्त है और वो एक पीसीएस अधिकारी है, तो उन्होंने जिस तरह से जानकारी मिली उन्होंने केडी मेडिकल कॉलेज से पत्राचार के द्वारा उस समय के सारे डॉक्टर के रिकॉर्ड्स मांगे थे, नाम मांगे थे और सीसीटीवी फुटेज मांगे थे और उन्होंने उनके पिता की डेथ के कारण मांगे थे लेकिन ना तो केडी मेडिकल द्वारा वो कुछ भी उन्हें मुहैया नहीं कराया गया। और उसके बाद फिर उन्होंने पुलिस प्रशासन से कई बार गुहार लगाई और उसके पास गए कि उनकी जो है वो FIR दर्ज करी जाए, उनकी सुनवाई की जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा जब उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई तो हार करके उन्हें फिर कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। और अब सुरेश, जानकारी तो ये भी मिली है कि इससे पहले भी शिकायतें बहुत मिली हैं इस अस्पताल को लेकर लेकिन कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि राजनीतिक रसूख है। जी, ये बिल्कुल साफ है क्योंकि केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा में एक बड़ा ग्रुप है, बड़ा एक जो है कहें तो संस्था है, कॉलेज है और जिस तरह से इनका राजनीति पकड़ भी है और उसको लेकर के कहीं ना कहीं इनको इनका बचाव भी मिल जाता है, तो उसी तरह से आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से एक अपर नगर आयुक्त यानी एक PPS अधिकारी को उसकी FIR दर्ज कराने के लिए पुलिस उसकी FIR नहीं करती और फिर उसे कोर्ट के सामने जाना पड़ता है, तो इससे इनके इनके ताकत और इनके जो है रसूख का पता चलता है कि पुलिस प्रशासन में इनकी कितनी पकड़ है। सुरेश, अगर अस्पताल प्रबंधन की बात की जाए तो क्या अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोई बयान सामने आया है इस पूरे मामले पर? जी, जिस तरह से अभी तक जो जानकारी मिल पाई है, हालांकि आपने भी उन्हें फोन मिलाया होगा, ठीक है, और फोन पे जिस तरह की अभी तक जो जानकारी, हमारा फोन तो नहीं लग सका था इसीलिए मैंने आपको भी फोन नंबर दिए थे उनके कि आप उनसे संपर्क करें और उनसे उनकी जो है बात जान सके। बिल्कुल सुरेश, लेकिन वो संपर्क नहीं हो पा रहा है क्योंकि लगातार ये देखने के लिए मिल रहा है कि फोन पे फोन किए जा रहे हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आप समझ रहे हैं कि एक तरह से कहीं ना कहीं घुमाने का जो है घुमाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरह से पहले भी कई बार इनको इस तरह के मामलों में साफ जो है निकल गए हैं, तो उसी तरह से कहीं ना कहीं पुलिस इस बार भी ऐसा लगता है
कि इनको क्लीन चिट देती नजर आएगी। हालांकि पुलिस अभी कह रही है कि कोर्ट के आदेश पर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है जी। और मुकदमे के बाद अब जांच करने का कह रहे हैं, जिस तरह से चलिए सुरेश ये तो देखने वाली बात होगी कि कब तक जांच हो पाती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो केडी मेडिकल कॉलेज जो कि बहुत नामी गिरामी मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर इस तरह की लूट मची हुई है कि कोरोना काल में यहाँ पर अस्पतालों ने लूट मचाई, इलाज के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लोगों से पैसे लिए, लेकिन इलाज के अभाव में जो परिजन है मरीज यहाँ पर भर्ती कराते, लेकिन मरीज जो है इलाज के अभाव में दम तोड़ते हुए नजर आते। राजकुमार मित्तल जो कि नगर आयुक्त हैं, उनके पिता की भी इस कोरोना काल में जान चली गई, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। फिलहाल कोर्ट में भी ये पूरा मामला जा चुका है और कोर्ट की तरफ से समन भी भेजा गया है। आगरा में स्वतंत्रता दिवस पर शाही जामा मस्जिद में ध्वजारोहण राष्ट्रगान के बाद उपजे विवाद के बाद पुलिस ने बयानबाजी करने वाले शहर मुफ्ती खुबेब रूमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मुकदमे में शहर मुफ्ती के साथ उनके बेटे को भी नामजद किया गया। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस पर ताजनगरी आगरा की शाही जामा मस्जिद के अंदर बने मदरसाए औलिया में ध्वजारोहण राष्ट्रगान किया गया था, जिसके बाद शहर मुफ्ती सुबेब रूमी ने ऑडियो वायरल कर मस्जिद में हुए ध्वजारोहण और राष्ट्रगान को हराम बताया। वहीं तमाम हिंदूवादी संगठनों और जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के चेयरमैन असलम कुरैशी की तहरीर के बाद आगरा पुलिस ने बयान जारी करने वाले शहर मुफ्ती खुबेब रूमी और उनके बेटे हमदुल कुद्दास के खिलाफ राष्ट्रीय गौरव अपमान अधिनियम के अंतर्गत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही शिकायत करने वाले इंतजामिया कमेटी के चेयरमैन असलम कुरैशी को भी सुरक्षा प्रदान की गई है। आगरा पुलिस कप्तान मुनिराज जी ने बताया कि जारी ऑडियो की जांच की गई है, जिसके बाद शहर मुफ्ती और उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जांच भी की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी अमित शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। अमित, ये जो पूरा मामला है स्वतंत्रता दिवस पर शाही जामा मस्जिद में ध्वजारोहण राष्ट्रगान का, ये लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आया है, लेकिन आखिरकार जो आरोपी हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है? बता दूं, न्यूज डॉट इंडिया की खबर का जोरदार असर ताजनगरी आगरा में हुआ है जी। कल प्रमुखता से खबर को दिखाने के बाद पुलिस प्रशासन जो जो तहरीर इसमें आई थी उनके खिलाफ एक्शन लेने पर बाध्य हुआ है। जिस मुफ्ती ने राष्ट्र गौरव तिरंगे का अपमान किया था उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा जो है वो राष्ट्र गौरव अपमान अधिनियम के सेक्शन 3 धारा 156 बी 505 और मैं यहाँ पे एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर था आगरा पुलिस के ऊपर हिंदूवादी और भारतीय जनता पार्टी का। उसके बाद लगातार न्यूज डॉट इंडिया पे ये खबर फ्लैश हो रही थी, जिसके बाद आज आरोपी जो मुफ्ती हैं कुवैत रूमी उनके खिलाफ और उनके बेटे हमदुल कुद्दस बिल्कुल और गिरफ्तारी की बात कब तक की जा रही है, कब तक गिरफ्तारी हो पाएगी, क्योंकि ऑडियो जो है काफी ज्यादा वायरल हो गया है और आपसी सौहार्द जो है वो इससे कहीं ना कहीं बिगड़ सकता था, हालांकि पुलिस की तत्परता है कि इसको संभाल लिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मैं प्रशासन की जो कार्य प्रणाली है उसकी प्रशंसा करना चाहूंगा। लगातार प्रशासन ने पूरे मुद्दे को हिंदू वर्सेज मुसलमान नहीं होने दिया और जो मौलाना जो आरोपी मौलाना है वो फिलहाल फरार है। आज सुबह SSP आगरा से बात हुई थी, जिन्होंने ये बताया कि चूंकि जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज है उनमें 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है, जिसमें अभी आरोपी मौलाना की गिरफ्तारी के कोई प्रयास नहीं किए जा रहे। हालांकि एक टीम गठित कर दी गई है जो लगातार मौलाना की तलाश के लिए दबिशे दे रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए हमें। तो ये पूरा मामला था जहां मस्जिद में जो मदरसा है उसके अंदर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया गया और साथ ही साथ राष्ट्रगान किया गया, लेकिन कुछ मौलानाओं को ये रास नहीं आया। मुफ्ती जिनका नाम बताया जा रहा है उन्होंने एक ऑडियो वायरल कर दिया और आपसी सौहार्द जो है हिंदू मुसलमान के बीच जो आपसी सौहार्द बना हुआ है उसे बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उसके खिलाफ अब एक्शन लिया गया है। बिजनौर में DM उमेश मिश्रा, SP डॉक्टर धर्मवीर सिंह की सतर्कता और परीक्षा केंद्रों पर लगातार निरीक्षण किए जाने से पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। PGT की परीक्षा के दौरान 2 परीक्षा केंद्रों पर पुलिस ने 2 मुन्ना भाई गैंग के सॉल्वर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक चिप भी बरामद हुई है।
पकड़े गए गैंग के दोनों सदस्य हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं। पुलिस के हत्थे चढ़े ये हैं सोनू और मनजीत, जो पानीपत और जींद हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि बिजनौर में प्रथम पाली में 5 परीक्षा केंद्रों पर 1800 परीक्षार्थी पीजीटी की परीक्षा दे रहे थे। इसी दौरान बिजनौर शहर के 2 परीक्षा केंद्र राजकीय इंटर कॉलेज के केपीएस स्कूल में सोनू और मनजीत सॉल्वर दूसरे परीक्षार्थी की जगह परीक्षा देने की फिराक में थे। पुलिस प्रशासन की त्रिस्तरीय चेकिंग के दौरान सीसीटीवी और सर्विलांस के जरिए दोनों मुन्ना भाई गैंग के सॉल्वर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दोनों के पास से शरीर के गुप्त स्थानों पर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक चिप बरामद हुई। पुलिस के अफसर दोनों सॉल्वर से सख्ती से पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि पुलिस को शक है कि गैंग के और भी सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।